हेलो फ्रेंड, नमस्ते फ्रेंड। आप सब कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आपके साथ दूसरा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, तो बस मैं उसी का तैयारी में लगी हुई हूँ। तो आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो कैसे बन रहा है, और बताते जाइएगा कमेंट करके कि किस तरह बनाना चाहिए। तो ये है मेरा किचन, तो आज मैं किचन थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको, और आपको तो पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये तो मैं यहाँ रखी हुई हूँ, तो बस मैं इधर नीचे थोड़े बर्तन रखती हूँ, यहाँ मसाले के डब्बे रखती हूँ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा में सामान बच जाता है तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। तो देखिए मेरा छोटा सा किचन है, और ये तो आप पता चल गया होगा क्या मैं बनाने वाली हूँ आज आपके साथ, क्या शेयर करने वाली हूँ। तो ये है मटर, ये है पनीर, आज मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी फ्रेंड। और ये है शिमला मिर्च जो कि मैं काट के रख ली थी, टमाटर दो ली थी, और प्याज एक बड़ा साइज का ली थी, और धनिया पत्ता कुछ ले ली थी, और हरी मिर्च ले ली थी। सारा मैं पहले से काट के रख दी थी, उसके बाद से मैं मसाला भी पीस के रख ली हूँ, जो कि इसमें है काली मिर्च, जीरा और मिर्च, लहसुन, अदरक, सारे मसाले को मैं पीस के रख ली हूँ। मैं सोची कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके वजह से मैं सारे ही सब कर ली हूँ, कि मसाले दिखाने से क्या है कि पीस के रख लेती हूँ, बस बता दूँगी आपको। तो सरसों के तेल में कढ़ाई में डाली हूँ, और पनीर को मैं थोड़ा हल्का से फ्राई कर लूँगी। तो आज मैं आपके साथ पनीर की सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ, आप लोग को कैसा लगेगा पता नहीं, लेकिन चलिए कोशिश करूँगी मैं आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो लाने का। तो थोड़ा रात का शूट किया हुआ है, तो थोड़ा रात में प्रॉब्लम हो रहा था कुछ लाइट के वजह से, क्या पता नहीं थोड़ा कम आ रहा है इसके वजह से। तो अभी इसको पूड़ी के साथ खाएंगे, पनीर का सब्जी, फिर पूड़ी भी बनाना है। तो पहले मैं सोची कि आपको सब्ज़ी बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि पूड़ी तो हर कोई बनाने जानता है इसके लिए। तो फिर मेरा थोड़ा सा फ्राई हो गया था, तो मैं इसको उठा लेती हूँ, फिर नेक्स्ट बार डालूँगी। और मैं धीरे धीरे आपको अपना घर भी पूरा दिखाऊँगी, और हर कुछ मैं बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी क्या क्या मेरे घर में है, कौन कौन है, क्या है मेरे, ऐसे सब मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए, मेरा तो पनीर पूरा तल ली हूँ, उसके बाद से मैं इसमें शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लूँगी हल्का हल्का, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेने से अच्छा रहता है। तो मैं तो ऐसे ही पनीर की सब्ज़ी आपको बना के दिखा रही हूँ। और उधर देखिए मेरा बेटी है आके, बस छुपी है अपने पापा के साथ खेल रही है, और देख भी रही थी माँ आप क्या कर रहे हो, पनीर की सब्जी बना रहे हो, मम्मा जल्दी से बनाओ, क्योंकि मेरी बेटी का फेवरेट सब्जी है पनीर की सब्जी, उसको बहुत पसंद है। तो फिर ये जीरा मैं डाल देती हूँ, और दालचीनी का टुकड़ा था, और तेज़पत्ता, प्याज, ये सब मैं डाल के, और फिर टमाटर भी डाल दूँगी। तो अभी तो मेरी बेटी उधर चली गई, फिर अभी बोल के गई मम्मा जल्दी से बनाओ पनीर, मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे करके मेरे बेटी को बहुत पसंद है। अभी आप तो देख ही लिए मेरे बेटी को, 5 साल की है मेरी बेटी। मेरा प्याज लगभग भून गया है,
फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा बन रहा है। और मैं इसमें प्याज डालने के बाद हरा मटर डाल दी हूँ। अभी तो खैर बारिश में मटर का इतना ज़्यादा ही रेट है कि मत पूछिए, अभी इतना ही ज़्यादा मटर का सीज़न आ जाता है तो इतना ज़्यादा रेट नहीं रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है मटर। लेकिन अभी तो काफ़ी मटर का रेट है तो भी पनीर में अगर मटर ना हो तो अच्छा ही नहीं लगता है, इसके लिए थोड़ा सोची हूँ। और मसाले को मैं सारे डाल दी हूँ और मैं इसको भी अच्छे से भून लूँगी। तो मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े करके पानी डाल रही थी और थोड़े थोड़े करके ही डाल रही थी, बस थोड़ा सा ही डालना है। उसके बाद मैं यहाँ पे पनीर मसाला डाल दी हूँ और इसको भी मैं डाल के अच्छे से भून लूँगी। तो कैसा अब बनेगा पता नहीं है, देखिए इतना गर्मी यहाँ पे दे रहा है, मत पूछो बारिश भी नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा धूप उगा है, इतना तेज़ गर्मी लग रही है कि मत पूछिए। किचन पे तो रहने से और गर्मी में हालत ख़राब हो जाता है। तो फिर मेरा मसाला तो पूरा भून गया था, तो फिर मैं पनीर और शिमला मिर्च साथ में ही डाल दी हूँ उसको, और इसको भी थोड़ा अच्छे से 5 मिनट तक भूनूँगी। उसके बाद फिर मेरे थाली में थोड़ा तेल भी बच गया था, उसको भी मैं थोड़ा सोच रही थी कि गिर जाए उससे जो फ्राई करके रखी थी। तो अब तो मेरा ये अच्छे से भून गया है, अब मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़े थोड़े करके, बस एक कटोरी में डाल ली, उसके बाद से फिर दूसरा कटोरी में डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है, इसके लिए से मैं फिर दूसरे कटोरी में भी डालूँगी। थोड़ा मुझे और कम लग रहा था क्योंकि और 5 मिनट तक, फिर 5 से 7 मिनट तक मैं इसको पकने दूंगी। थोड़ा इसको ढक के इसके लिए थोड़ा सा और पानी डाल दी, अब मैं इसको ढक दी हूँ अच्छे से ये पकेगा। उसके बाद फिर वहाँ पे मेरा बेटी आके बैठी हुई थी, बोल रही थी मम्मा बना कि नहीं खाना, मुझे भूख लग गया है। तो फिर मैं बोल रही थी कि बस बेटा हो गया थोड़ा सा, तो अभी तो मैं पूड़ी बनानी है, बस सब्ज़ी बना के उसके बाद से मैं पूड़ी बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है इसके लिए। मैं तो मेरा फाइनली हो गया है पनीर, मैं अब उसमें बस हरा धनिया डाल दूंगी, वो भी डाल दी क्योंकि हरा धनिया का बिना अच्छा लगता नहीं है कोई भी सब्ज़ी में। तो मैं देखिए प्लेट में निकाल रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसको अच्छे से सामने से फ़ोटो, रात का फोटो था, थोड़ा लग रहा था, देखिए आप कितने अच्छा। तब तक के लिए बाय बाय।